बम्बई में ऑलमोस्ट 36-37 ईयर्स बाद परफॉर्म कर रही हूँ. मुंबई में ही मैं जब 18 साल की थी तो मुझे कथित प्रिंसेस का टाइटल सितारा जी ने दिया था. उसके बाद पंडिता का टाइटल मुझे हरिदास सम्मेलन के बाद मिला यहाँ पे. और उसके बाद मैं काफ़ी नाची हूँ दूसरी जगहों पे, बीच बीच में और भी हम लोग ब्रुनेई गए, काफ़ी जगहें नाची, लखनऊ, दिल्ली, लेकिन बॉम्बे में मैं इतने सालों बाद ज़रूर नाची हूँ. एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप आई कम बैक टू माई डांस थैंक्स टू माई गुरु पंडित बिरजू महाराज, जिनके आशीर्वाद और उनके सपोर्ट के बगैर ये होता ही नहीं हो गया. एक्चुअली मैं थिएटर भी बहुत करती थी और साथ साथ महाराज जी से सीखती थी, उनके बैलेंस करती थी. उसके बाद बहुत छोटी उम्र में मैं सोलोइस्ट हो गई, 14.5 साल की उम्र में स्टैम्प पे आ गई. उसके बाद सोलोज ही सोलोज करती रही तो थिएटर छूट गया. लेकिन फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा बीच में वक्फा मिला तो फिर वही तलाश किया तो बहुत हिट हो गई मैं शहनाज में. फिर वही तलाश से शहनाज की जैसे बहुत फिल्में मिली, सलीम मंगले, पत्रो सड़क वगैरह वगैरह. तो अपने आप ही ये चीज़ें हुई, ऐसा नहीं कि मैंने सोच के किया. लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस अपने नृत्य के मंच पर नृत्य के रूप में कथक की सेवा करने के लिए और कथक से एक बार फिर और हमेशा एक बार फिर क्या इबादत ही है, मोहब्बत ही है, इश्क रहेगा. बहुत बहुत एक्चुअली मेरे इंस्पिरेशन हमेशा से और हमेशा ही पंडित बिरजू महाराज जी होंगे. मुझे बहुत सारे फॉर्म्स का शौक़ है. मैंने बेहतरीन डांसर्स को ज़िंदगी में देखा है और मैं हर फॉर्म को बहुत चाहती हूँ, लेकिन महाराज जी से ज़्यादा किसी को नहीं चाहती, क्योंकि महाराज जी को देख के ही मुझे अपना मार्गदर्शन मिला. मैं 10 साल की थी जब मैंने महाराज जी को नाचते हुए देखा था पुराने किले में, और वो दिन और आज का दिन बस उन्हीं की मुरीद हूँ, उन्हीं के पथ पर चलती हूँ, उन्हीं से सीखा है. और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने महाराज जी जैसे गुरु से सीखा है. महाराज जी से ज़्यादा अच्छा गुरु कोई इस दुनिया में नहीं है.